हे गाइस, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं टेक इंडिया नॉलेज। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ रेडमी के 30 प्रो। जी हां, रेडमी के 30 प्रो जो चाइना में लॉन्च हो चुका है बट इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो चलिए इस पे नज़र डालते हैं। सो सबसे पहले बॉक्स को देखते हैं। तो इट्स अ ब्लैक बॉक्स। राइट साइड में आपको रेडमी के 30 प्रो की ब्रांडिंग दिखती है। बैक साइड में आपको छोटा बेबी ड्रैगन, साथ में रेडमी के 30 प्रो की ब्रांडिंग एज वेल एज लेफ्ट साइड में भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बॉटम साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टोरेज मेंशनड है, वो है आपकी 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज वेरियंट। अभी इसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता चला है, तो ये आपको 30,000 अप्रॉक्स मिल जाएगा इंडिया में देखने को। तो चलिए इसके बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं हमें साथ में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बड़े ही आराम से ये बॉक्स बड़े मज़ेदार तरीके से खुलता है। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। अंदर एक हमें मिनी बॉक्स टाइप का देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका सिम इजेक्टर टूल, साथ में एक ब्लैक केस जो कि काफ़ी हार्ड और अच्छी क्वालिटी का है। ये आपके फ़ोन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको कुछ यूज़र्स मैनुअल देखने को मिल जाते हैं, जो कि हालांकि आजकल कोई पढ़ता नहीं है लेकिन पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए इस बॉक्स को साइड में रखते हैं और थोड़ा फ़ोन पे नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स अ ब्लू कलर जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। मुझे तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा और ये हाथ में काफ़ी कंफर्टेबल है। सो इसका कैमरा डिज़ाइन भी मुझे बहुत प्यारा लगा। हालांकि कुछ लोगों को ये थोड़ा सा ख़राब लग सकता है, क्योंकि ये आपको सर्कुलर डिज़ाइन वन प्लस के फ़ोन्स में भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए फ़ोन को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें टाइप सी पोर्ट विद इनसाइट ऑरेंज कलर का कुछ नया टाइप देखने को मिल जाता है। साथ में सी पोर्ट में भी आपको सेम कलर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। साथ में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कूल चीज़ है। आपको बॉक्स में फास्ट चार्जर मिल रहा है। चलिए साइड बाय साइड फ़ोन को भी देखते हैं। मुझे इस फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली दिस पॉपअप कैमरा। चलिए फिर इस फ़ोन को और अच्छे से देखते हैं। चलिए डिस्प्ले को देखते हैं। अब हम इसे ओप्पो फाइंड X2 के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया सेट है। रेडमी K30 Pro को देखें तो यह आता है 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले विद एमोलेड डिस्प्ले पैनल। एंड बढ़िया चीज़ ये है कि यह बिना किसी नॉच और पंच होल के साथ है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग और मूवीज़ देखने का फुल स्क्रीन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इवन K30 में भी आपको पंच होल कैमरा देखने को मिला था। सो मुझे इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी लगी। इसकी ब्राइटनेस भी आउटडोर और इंडोर काफ़ी अच्छी है, सो इट्स नॉट बैड एंड रिफ्रेश रेट इज़ ऑल्सो गुड। सो चलिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देखते हैं। सो इसमें हमें एंड्रॉयड 10 विद MIUI का ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट देखने को मिलता है। यह आपका स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर है, जो कि आजकल काफ़ी फ्लुएंटली वर्क करता है। यही सेम प्रोसेसर हमें शॉमी की MI10 एंड ब्लैक सार में देखने को मिल चुका है। सो इसकी फंक्शनिंग काफ़ी स्मूथ और क्लियर है। सो गेमिंग वाइज देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। सो आपको गेमिंग वीडियोस चाहिए हो तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। तो चलिए बैटरी को देखते हैं। सो इसमें आपको 4700 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है विथ फास्ट चार्जर। सो इसे मैं अभी 5 से 8 घंटे यूज कर चुका हूँ। सो बैटरी इज़ क्वाइट अमेजिंग। और आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि 5 से 8 घंटे में मुझे कितनी बैटरी यूज़ की है और कौन से ऐप्स ने कितनी कितनी बैटरी मेरी यूज़ की है। तो अराउंड 58% तक मेरी चार्जिंग अभी भी बची हुई है। तो बैटरी इज रियली अमेजिंग। तो चलिए कैमरा सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो कैमरा में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है विद 64 MP प्राइमरी सेंसर एंड मेन एंड टेलीस्कोपिक ऑल्सो, विच सपोर्ट्स iOS।
सो इसमें मुझे बढ़िया ये लगा कि इसमें आपको 54 मेगापिक्सल कैमरा वो भी डिजिटल जूम के साथ देखने को मिलता है। सो लेट्स चेक द कैमरा। सी गाइस, ये आपके कुछ कैमरा सैंपल्स हैं। सो इसको जूम करके देखते हैं हम, तो जूमिंग कैपेसिटी इसकी काफ़ी बढ़िया है, सो जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। सो इट्स कैमरा इज़ क्वाइट अमेजिंग। सो दोस्तों, आप बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा और आप ये लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।